हेलो एवरीवन यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़ यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं यह इस वीडियो सीरीज़ का वीडियो नंबर सेवेंटी टू है इस वीडियो में हम थ्रीड क्लास की जॉइन मेथड डिस्कस करेंगे सो लेटेस्ट गेट स्टार्टेड नाउ वेरी फर्स्ट विल डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट द ज्वाइन मैथड सो ज्वाइन मेथड के बारे में सबसे पहली बात है ज्वाइन मेथड इन जावा अलाउस वन थ्रेड टू वेट अंटिल अनादर थ्रेड कम्प्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन ज्वाइन मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर थ्रेड दूसरे थ्रेड के कम्प्लीट होने का वेट करे। इन सिंपलर वर्ड्स इट मीन्स इट वेट्स फॉर द अदर थ्रेड्स टू डाई दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के डाई होने का कंप्लीट होने का वेट करता है नाउ वन मोर थिंग अबाउट द ज्वाइन मेथड इट हैज अ वाइड रिटर्न टाइप इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो वाइड होता है एंड इट थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन और यह मेथड इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है यह इंटरप्टेड एक्सेप्शन जो है वह भी चेकड एक्सेप्शन कैटेगरी में आता है और यदि यह चेकड एक्सेप्शन कैटेगरी में आता है तो हम जानते हैं कि हमें अब जो मेथड कॉल है ज्वाइन मेथड कॉल उसको या तो ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा या फिर जिस मेथड में हमने ज्वाइन मेथड को कॉल किया है वहां पे थ्रूज क्लॉज में इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा ओके सो दिस इज वॉट अबाउट द ज्वाइंट मेथड अब हम ज्वाइन मेथड की वर्किंग को प्रोग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम एक जावा क्लास क्रिएट कर लें इस क्लास को मैं नाम दे रहा हूं ज्वाइन डेमो अब यह जो ज्वाइन डेमो क्लास हमने क्रिएट की है इसको हम मेन क्लास बनाएंगे यानी इसके अंदर हम मेन मेथड को डिफाइन करेंगे सो लेटेस्ट डिफाइन मेन मेथड अब हम एक थ्रेड क्रिएट करेंगे और उस थ्रेड में हम कुछ कोड लिखेंगे सो दैट ज्वाइन मेथड की वर्किंग हम समझ सकें तो थ्रेड बनाने के लिए एक क्लास हम बनाए क्लास my रनेबल इंप्लीमेंट्स रनेबल अब इस माई रनेबल क्लास के अंदर हम रन मेथड को ओवर करें और इस रन मेथड में हम कोई टास्क देंगे हमें यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ कि यह जो थ्रीड है जो हम क्रिएट कर रहे हैं वह जीरो से नाइन तक के नंबर को प्रिंट करना चाहिए तो वही कोड हम यहाँ पे लिखेंगे पर एक बात और हम चाहते हैं यहाँ पे कि यह जो थ्रेड है वो हर एक नंबर को प्रिंट करने के पहले एक सेकेंड का डिले टाइम भी ले एक सेकेंड के लिए पॉज या ब्लॉक हो जाए सो लेटेस्ट राइट द कोड अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे सो दैट वी कैन मेक श्योर कि यह जो चाइल्ड थ्रेड है यह थ्रेड जो हम बना रहे हैं वो कब स्टार्ट हुआ तो एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल इन स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया आ लेटे सपोज चाइल्ड थ्रेड स्टार्टेड तो यह स्टेटमेंट इस थ्रेड की स्टार्टिंग को डिनोट करेगा उसके बाद में जैसा हमने डिसाइड किया वैसा कोड लिख ले यानी हम लूप बनाएंगे जो जूरो से लेके नाइन तक के नंबर्स को प्रिंट करें तो उसके लिए हम लिख रहे हैं इंट इक्वल ज़ीरो आई लेस देन टेन आई प्लस प्लस एंड जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि यह जो थ्रेड है जब आई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा तो हर एक वैल्यू को प्रिंट करने के जस्ट पहले यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक सेकेंड का पॉज हो तो उसके लिए हमें स्लीप मेथड कॉल करना पड़ेगा सो स्लीप मेथड को कॉल कर लें हाँ जैसा कि हम जानते हैं कि स्लीप मेथड भी चेकड एक्सेप्शन थ्रू करता है तो इसको हमें ट्राई केज में लिखना पड़ेगा सो लेटेस्ट डू इट तो यहाँ पे हमने स्लीप मेथड कॉल को ट्राई केज के अंदर लिख दिया और के ब्लॉक में एक स्टेटमेंट मैं लिख दूँ ई एक्स डॉट प्रिंट स्टेक्ट्रेस ओके नाव उसके बाद में एक स्टेटमेंट हम आई की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए लिख दें सो प्लस आई इसको हमें सेम लाइन में प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पे प्रिंट मेथड कॉल कर दिया और फॉर लूप के बाद में एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं उसमें हम लिखेंगे Okay? So, यहाँ पे रन मेथड के अंदर थ्रेड को जो टास्क दिया है वो बहुत सिंपल है सबसे पहले थ्रेड चाइल्ड थ्रेड स्टार्टेड प्रिंट करेगा जैसे वो स्टार्ट होगा उसके बाद में फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होगा फॉर लूप में हर एक सेकेंड के डिले टाइम के बाद में आई की वैल्यू प्रिंट होगी वन बाई वन जीरो वन टू थ्री इस तरीके से और जैसे ही ये थ्रेड कंप्लीट होगा चाइल्ड थ्रेड कंप्लीटेड रिटर्न हो जाएगा क्योंकि वो हमने रन मेथड में सबसे लास्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है फाइन सो so, ये वो अपना एक थ्रेड अब हम मेन मेथड में कोड लिखें So, जैसा कि हम जानते हैं कि मेन मेथड भी थ्रेड से ही एग्जीक्यूट होता है जेवीएम हम एक थ्रेड uh, क्रिएट करता है मेन थ्रेड और मेन थ्रेड का, का काम होता है मेन मेथड को एग्जीक्यूट करना तो यह जो मेन थ्रेड है वह कब स्टार्ट हुआ वो प्रिंट करवाने के लिए भी हम एक सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दें और उसमें हम लिख रहे हैं मेन थ्रेड स्टार्टेड एंड देन यहाँ पे सबसे पहले हम मायरनेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें माइरनेबल एम इक्वल न्यू मायरनेबल उसके बाद में थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें थ्रेड टी एच इक्वल न्यू थ्रेड उसको रनेबल का ऑब्जेक्ट पास कर दें देन टी एच पे स्टार्ट मेथड कॉल करें एंड दे में सबसे आखिरी में हम लिख देते हैं मेन थ्रेड कंप्लीटेड सो इस तरीके से इस प्रोग्राम में यहाँ पे दो थ्रेड हो गए हैं एक थ्रेड तो मेन थ्रेड है जिसका काम है मेन मेथड को एग्जीक्यूट करना यह थ्रेड जेबीएम क्रिएट करेगा और दूसरा थ्रेड हमने क्रिएट किया हुआ है हमने यहाँ पे थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और उसको मायरनेबल का ऑब्जेक्ट दिया यानी यहाँ पे एक थ्रेड और क्रिएट हुआ है और इस थ्रेड को मेन थ्रेड ने क्रिएट किया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मेन थ्रेड है वह पेरेंट थ्रेड है और जो टी थ्रेड हमने क्रिएट किया हुआ है वह चाइल्ड थ्रेड है ओके सो दूसरा थ्रेड हुआ चाइल्ड थ्रेड अब ये चाइल्ड थ्रेड का काम क्या है जो कोड हमने रन मेथड के अंदर लिखा हुआ है उस कोड को एग्जीक्यूट करना फाइन अब नॉर्मल फ्लो यदि हम बात करें तो पहले क्या होगा यहाँ पे ऑब्वियसली मेन थ्रेड पहले स्टार्ट होगा क्योंकि जावा का जो प्रोग्राम है वो मेन मेथड से ही स्टार्ट uh, होता है तो मेन थ्रेड क्रिएट होगा वो मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्वियसली मेन थ्रेड में जो भी कोड हमने लिखा वो एग्जीक्यूट होगा यानी मेन थ्रेड स्टार्टेड लिखा हुआ जाएगा रनेबल का ऑब्जेक्ट बनेगा फिर चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होगा एंड देन चाइल्ड थ्रेड यहाँ पे रनेबल स्टेट में जाएगा स्टार्ट मेथड को कॉल किया फिर मेन थ्रेड कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से मेन थ्रेड है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में जब सी चाइल्ड थ्रेड को लोकेट किया जाएगा तो उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और उसमें जो भी रन मेथड के हमने कोड लिखा हुआ है चाइल्ड थ्रेड स्टार्टेड फिर जीरो से लेके नाइन तक प्रिंट करना और वन सेकेंड का डिले देखे एंड देन चाइल्ड थ्रेड कंप्लीटेड ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा ओके ये एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा अभी इस प्रोग्राम का चाहे तो हम एक बार रन करके देख लें सो so, मैंने इस फाइल को रन किया एंड जस्ट लुक एट द आउटपुट सो देखें यहाँ पे मेन थ्रेड स्टार्टेड लिखा हुआ आ गया मेन थ्रेड कंप्लीटेड फिर चाइल्ड थ्रेड स्टार्टेड और वो जीरो से लेकर नाइन तक प्रिंट कर रहा है कहना चाह रहा हूं कि पहले मेन थ्रेड कम्प्लीट होगा और उसके बाद स्टार्ट होगा ओके okay? ये ध्यान रखना हालांकि अभी अपने प्रोग्राम में ये हो रहा है जस्ट बिकॉज मेन थ्रेड के अंदर हमने बहुत ही छोटा कोड लिखा हुआ है तो मेन थ्रेड कम्प्लीट होने के बाद में चाइल्ड थ्रेड यहाँ पे चल रहा है ठीक है अभी पॉइंट वो नहीं है पॉइंट ये है कि यहाँ पे यह जो आउटपुट जनरेट हुआ मेन थ्रेड स्टार्टेड मेन थ्रेड कम्प्लीटेड और वह मेन थ्रेड के थ्रू हुआ है और उसके बाद में यह चाइल्ड थ्रेड स्टार्टेड जीरो से लेकर नाइन प्रिंट करना और चाइल्ड थ्रेड कम्पलीटेड यह टी एस थ्रेड चाइल्ड थ्रेड जो हमने क्रिएट किया उसके थ्रू हुआ है अब यदि हम चाहते हैं यहाँ पे कि जो मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन है वह चाइल्ड थ्रेड के एग्जीक्यूशन कंप्लीट uh, होने के बाद में कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई थ्रेड क्रिएट करते हैं और उसका जो पेरेंट थ्रेड होता है जैसे यहाँ पे मेन थ्रेड जो है वह पेरेंट थ्रेड है और जो चाइल्ड थ्रेड है वह जो हमने क्रिएट किया वह वाला है ओके okay? सो so, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेन थ्रेड पेरेंट थ्रेड है और जो टी थ्रेड हमने क्रिएट किया वह चाइल्ड थ्रेड है तो जावा कहता है कि आपको कोशिश ये करनी है कि जो पेरेंट थ्रेड है वह चाइल्ड थ्रेड के कंप्लीट होने के बाद में फिनिश होना चाहिए ओके okay? या यूं कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में आ, कि जो पेरेंट थ्रेड है उसने चाइल्ड थ्रेड के डेड होने का वेट करना चाहिए पेरेंट okay? थ्रेड वेट कर रहा है चाइल्ड थ्रेड के डेड होने का कंप्लीट होने का ऐसा कोड आपको करना चाहिए ऐसा क्यों करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कभी कभी अब जो पेरेंट थ्रेड है वह चाइल्ड थ्रेड कोई रिसोर्स पास कर रहा है उस केस में कभी यदि आपने चाइल्ड थ्रेड को आ, कम्प्लीट नहीं होने दिया और उसके पहले पेरेंट थ्रेड कंप्लीट हो गया तो रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ इशूज क्रिएट हो सकते हैं ओके सो हमें ध्यान ये रखना है कि जो पेरेंट थ्रेड है वह चाइल्ड थ्रेड के कंप्लीट होने का वेट करें और उसी के लिए जावा ने प्रोवाइड किया हमें ज्वाइन मेथड तो सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि, कि किस पॉइंट पे हम चाहते हैं कि जो मेन थ्रेड है वह चाइल्ड थ्रेड के कंप्लीट होने का वेट करे तो यहाँ पे हमने जो चाइल्ड थ्रेड क्रिएट किया हुआ है ये थ्रेड th और उसके बाद में स्टार्ट मेथड को कॉल करके उसको हमने रेडी टू रन यानी रेनेबल स्टेट में, में भिजवाया है और उसके बाद इस पॉइंट पे लाइन नंबर नाइन पे कह सकते हैं हम चाहते हैं कि जो मेन थ्रेड है वह चाइल्ड थ्रेड के कंप्लीट होने का वेट करे तो इस पॉइंट पे हम ज्वाइन मेथड कॉल करेंगे ताकि मेन थ्रेड है जो वेट कंडीशन में चला जाए और जब तक चाइल्ड थ्रेड कंप्लीट नहीं हो अपने केस में यह टी थ्रेड कंप्लीट नहीं हो तब तक वो वेट करता रहे ओके ओके सो लेट अस कॉल इट डॉट अब यह जो ज्वाइन मेथड है जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह ज्वाइन मेथड चेक एक्सेप्शन थ्रो करता है तो इसको हमें ट्राई ट्राईकेज में लिखना पड़ेगा या फिर मेन मेथड में थ्रोस क्लास लगाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे ट्राई ट्राईकेज प्रोवाइड कर रहा हूँ सो लेटेस्ट प्रोवाइड द ट्राई ट्राइकेज तो हमने यहाँ पे ट्राई के प्रोवाइड कर दिया ज्वाइन मेथड जो है वो ट्राई के अंदर लिख दिया ओके नाउ यहां पे ध्यान से देखें जो टी एस डॉट ज्वाइन स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ मेन मेथड के अंदर लिखा है और मेन मेथड का एग्जीक्यूशन जो है वो मेन थ्रेड करता है तो यहाँ पे मेन थ्रेड वेट कंडीशन में चला जाएगा समझो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं टीएच डॉट ज्वाइन यह जो कॉलिंग स्टेटमेंट है वह में लिखा हुआ है तो मेन थ्रेड वेट में जाएगा और किसका वेट करेगा तो हमने th को यूज करके join method किया है, तो th के के होने होने का करेगा. Okay? So, th के complete होने का करेगा। करेगा कौन? Main This is the utility uh, join method. अभी इस प्रोग्राम को एक बार हम चला के देखें और चेक करें इसका आउटपुट कैसे क्या आएगा

जैसी मेन थ्रेड इस लाइन नंबर इलेवन पे आएगा वह वेट कंडीशन में चला जाएगा और उसके बाद में चाइल्ड थ्रेड का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद में वह पेरेंट थ्रेड को मेन थ्रेड को ज्वाइन करेगा और उसी के बाद में यहाँ पे जो मेन थ्रेड है वो आगे कंटिन्यू अपना एग्जीक्यूशन करेगा फाइन सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ ज्वाइन मेथड आई होप यू अंडरस्टूड द वर्किंग ऑफ ज्वाइन मेथड Thanks for watching this video.